आईपीएल 2024 में लगभग 17 मैच खत्म हो चुका है, लेकिन मुंबई इंडियंस में कप्तानी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई की कमान संभाल रहे हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश नहीं बताए जा रहे हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि रोहित आईपीएल के मौजूदा सीजन के बाद मुंबई इंडियंस को अलविदा कह देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीजन मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और टीम को अपने पहले 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई की टीम अब तक खाता भी नहीं खोल सकी और अंक तालिका में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर चल रही है। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी से काफी ज्यादा नाराज हैं और इसे लेकर उनके बीच ड्रेसिंग रूम में काफी ज्यादा बहस भी हो चुकी है और इसकी वजह से टीम में अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले मैच से ही अनबन देखने को मिल रही है। इस सीजन का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुआ था। इस मैच के दौरान कई मौकों पर रोहित और हार्दिक के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। हार्दिक मैच के दौरान बार बार रोहित की फील्डिंग पोजीशन में बदलाव करते दिखे थे, जिसके बाद हार्दिक को जमकर ट्रोल भी किया गया था।